पौलोमी दास, जी हाँ, पौलोमी दास ने बिग बॉस OTT 3 कंटेस्टेंट के हिसाब से ज्वाइन किया है। एंड ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस OTT 3 स्टार्ट होते ही पौलोमी दास ने उतार दिया है किसी का मुखौटा। ऐसी बेइज्जती भाई कौन करता है, ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन किसका किया बेइज्जती और कैसे किया, चलिए बात करते हैं। बहुत सारे न्यूज लेकर मैं सुपर्णा आ चुकी हूँ आप लोगों के पास, तो लास्ट तक वीडियो पे मेरे साथ जुड़े रहना है। और साथ ही साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे न्यूज, बहुत सारे गॉसिप लेकर मैं आ जाऊंगी आप लोगों के पास मेरे इकलौते चैनल मिक्स पंच विद सुपर्णा पे। साथ ही में अगर कोई भी वीडियो को देख रहे हो मेरे फेसबुक पेज से तो प्लीज डू लाइक एंड फॉलो। तो चलिए बात करते हैं पौलोमी दास के बारे में, बिग बॉस OTT 3 के लाइव फीड के बारे में। कैसे उतार दिया बिग बॉस OTT 3 कंटेस्टेंट पौलोमी दास ने चंद्रिका दीक्षित का इज्जत, ऐसा क्या किया है। देखिए, चंद्रिका दीक्षित जब शो पे आई थी, डेफिनेटली इंक्लूडिंग मी बहुत लोग नाराज थे बिग बॉस पे कि भाई कैसे कैसे कंटेस्टेंट को ले रहे हो, ऐसा लग रहा है कि अभी रस्ते पर जाकर मारा मारी करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा, झगड़ा करना पड़ेगा, देन मुझे भी मिल जाएगा एंट्री, है ना। सो ऐसे मेरे जैसा बहुत लोग हैं जो चीज लोग सोचे थे, एंड इंक्लूडिंग मी, मैं भी सोची थी भाई किसको ले लिया, इससे अच्छा तो कोई और सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, किसी कहीं से ले लेते, तो इसके लिए किया क्या है बड़ा पाव वाली कि आपने ले लिया शो पे। तो ये लोग, बहुत लोग सोचे थे एंड ये मैं भी सोच रखी थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पौलोमी दास ने कुछ लोगों का दिल का बात बोल दिया। तो ये वीडियो जब भी वायरल हुआ ना, सेम लोग, सभी लोग ऑलमोस्ट बोल रहे कि भाई आस आस आस, मतलब हम भी, हमारे मन के बात आप बोल दिए पौलोमी के बात को। सो बेसिकली हुआ क्या है, चलिए मुद्दे में आते हैं। सो लाइव फीड का ये सबसे बड़ा न्यूज आ रहा है अभी बिग बॉस OTT 3 से। तो बेसिकली एक काउच पे बैठी थी पौलोमी दास एंड चंद्रिका दीक्षित। तो चंद्रिका दीक्षित, जैसे आप लोगों को पता है वो है कौन, वो बेसिकली है वड़ा पाव गर्ल, वड़ा पाव बेच रही थी रस्ते पे कार्ट लगाकर, जैसे लाखों करोड़ों इंडिया पे कार्ट है वैसे ही उसका भी एक कार्ट था, लेकिन वो वायरल हो गई क्योंकि मारा मारी किया, थोड़ा रोया धोया, वायरल हो गई, अभी बिग बॉस के OTT 3 के घर पे आ गई। तो इसी बात के चलते दोनों के बीच वार्तालाप हो रहा था, तो वहां पर पौलोमी ने ऐसा कुछ बोला कि सुनकर लग रहा कि हंसू या क्या बोलू, अगर चंद्रिका की जगह मैं होती तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करती। तो पौलोमी ने उनको बोला कि आपका जो वीडियो आता था ना, प्लीज डोंट माइंड हा, ऐसे प्लीज डोंट माइंड हा, तो वड़ा पाव का तो मेरे फीड पे पूरा भरा पड़ा था, इवन इंस्टाग्राम ओपन करते वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव, ये इतना इरिटेटिंग था, मैं तो भाई म्यूट करके रखती थी, एंड इवन मैं तो अपने दोस्तों को भी बोलती थी भाई ये कौन है, इतना क्यों बवाल मचा कर रखी है। तो ये सारी चीज पौलोमी ने कहा है चंद्रिका को, वो भी गुड पार्ट इज चंद्रिका के मुंह पे बोली है, ना कि बैक बेचिंग। इवन पौलोमी दास का OTT 3 पे जाने से पहले एक वीडियो रिलीज हुआ था, मतलब इंटरव्यू पे, जहां पर उनको पूछा गया था कि नाम आ रहा है कि OTT 3 पे वड़ा पाव गर्ल जाएगी, तो इसमें आपको क्या कहना है। तो इसमें भी पौलोमी ने बहुत क्लियरली कहा था कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि उनको लिया क्यों जा रहा है, बिग बॉस का क्या हाल हो चुका है कि ऐसे लोग जिनका कुछ ऐसा कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं किया, ऐसे करोड़ों कार्ट वाले हैं जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उनको छोड़कर आप इनको ले रहे हो बिकॉज ऑफ दी यू नो वायरल होगी, मारामारी की, झगड़ा किया, इसलिए। तो पौलोमी ने अपने इंटरव्यू पे भी ये चीज कहा था एंड चंद्रिका के सामने भी ये चीज कहा था। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे इसमें चंद्रिका का क्या रिएक्शन था। चंद्रिका का रिएक्शन काफी शॉकिंग था, क्योंकि बाहर उनका जो वीडियोस सामने आया था, ये वीडियोस वायरल हुआ है, वो काफी वाइल्ड है, जहां पर वो झगड़ा करती है, लड़ाई करती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन शो के अंदर तो बंदी पूरा चेंज है, अभी तक उसका मुंह से उतना कुछ नहीं निकला, बहुत ही कम रिएक्शन है, वो उतना रिएक्टिव नहीं है, वो भी जब पौलोमी बोल रही थी बहुत ही ऐसे रिएक्शन, मतलब कोई एनर्जी नहीं है, कुछ नहीं है कि इसके बारे में कुछ बोलूं, क्योंकि अगर मैं ओवरऑल बात करूं, नॉर्मली उनका वीडियोस जो भी वायरल आया था या फिर बिग बॉस पे जाकर भी जो पीछे बात करती है, वो बोलती है कि मेरे काम पे आएगी तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, तो इतना बड़ा मौका मिला है, वहां पर एक मुद्दा वो बना सकती थी अपने गेम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कैमरा पे दिखने के लिए, वो कुछ नहीं की। ऐसा लग रहा था कि भाई बहन तू ठीक ही बोल रही है, मेरे बारे में बोल रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन बहन तू सही है।
लेकिन अगर आप लोग भी देख रहे हो बिग बॉस ओटीटी 3, क्या आप एंजॉय कर रहे हो, क्या आप सपोर्ट करते हो चंद्रिका दीक्षित का वड़ा पाव गर्ल को, जरूर कमेंट करके बताना। अभी के लिए मैं सुपर्णा लेती हूँ इजाजत, जाते जाते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, साथ ही में अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सुपर थैंक्स भी कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।